तो दोस्तों जैसा कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि चैनल पे आईफोन 11 प्रो मैक्स की अनबॉक्सिंग आएगी और उसके साथ साथ आपके लिए एक सरप्राइज गिव अवे भी होगा, तो टाइम आ गया है। ये रहा हमारे हाथ में आईफोन 11 प्रो मैक्स गोल्ड व्हाटएवर। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अनबॉक्सिंग बहुत जल्दी जल्दी करूँगा कि इसमें एज ऑलवेज जो कुछ होता है वो वही कुछ है, इतना कोई वो व्हाट्सएप। वेल, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और वीडियो के साथ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड ना करना, वीडियो को आपने पूरा देखना है, क्योंकि इसमें जो मैं गिव अवे देने वाला हूं, उस गिव अवे के लिए आपको, गिव अवे जीतने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। हो सकता है मैं कोई ऐसी बात कर जाऊँ बीच में जो आप मिस कर दें और गिव अवे आप ना विन कर सकें, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और जो जो कंडीशंस हों उन सबको आपने फॉलो करना है, क्योंकि गिव अवे है तो कंडीशंस आपको फॉलो करनी होंगी। जो कंडीशंस फॉलो करेगा वही होगा विनर गिव अवे का। और इस बार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार विनर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, करते हैं इसको अनबॉक्स, देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या है, और फिर मैं आपसे बात करूंगा, या हो सकता है अनबॉक्सिंग करते हुए आपसे बात करूंगी वो भी की। तो वीडियो को स्किप ना करना, कंटिन्यू देखना और एंड तक देखना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो शुरू करने से पहले, अनबॉक्सिंग से पहले, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, व्हाट्सएप पर बहुत कुछ करें, मत सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के साथ बने रहें। चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों ये रहा हमारा आईफोन 11 प्रो मैक्स 64GB गोल्ड में। तो जल्दी से करते हैं बॉक्स को ओपन। तो बॉक्स को ओपन करते ही हमारे पास सामने जो आता है सबसे पहले वो रहा आईफोन, ये है। इसको हम देखते हैं बाद में, पहले हम देखते हैं कि अंदर और क्या क्या है। तो सबसे पहले वेलकम किट आती है कि जिसमें स्टिकर्स होते हैं और सिम इजेक्टर टूल होता है और वेलकम गाइड होती है, बहुत कुछ होता है, वो रख दिया साइड में। और यहाँ पर हमें मिलता है, वाओ, इस बार एप्पल ने शू चेंज किया है, बहुत ही प्रीमियम जो है डिज़ाइन है। और सेम पुराने हमें हेडफोन्स मिलते हैं इसमें। और भैया यहाँ पे जो चार्जिंग इन्होंने एप्पल ने इस बार चेंज की है वो की है टाइप सी। तो ये रहा बॉक्स के अंदर इतना कुछ ही होता है। तो फ़िलहाल अभी हम देखते हैं इसको। तो ये आता है बहुत ही प्यारी फिनिशिंग में, गोल्ड कलर है और डिज़ाइन बहुत ही प्रीमियम है, जो कि बना हुआ है स्टेनलेस स्टील से। साइड में हमें मिलता है एक बटन, जिसे पावर बटन तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके बहुत सारे काम हैं। सीरी ओपन हो सकती है, लॉक अनलॉक होता है, और लेफ्ट साइड पे हमें जो मिलता है वॉल्यूम अप एंड डाउन और रिंगर टूल जो म्यूट और रिंगर का होता है। नीचे की साइड अगर हम देखते हैं तो नीचे जो है वो यहाँ पर स्पीकर है, इधर माइक है और चार्जिंग पोर्ट है। ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है और डिज़ाइन बहुत ही प्रो बनाया हुआ है। तीन रेयर कैमरा हैं, तीनों के तीनों 12 मेगापिक्सल्स हैं। और ये ग्लास जो है इसका बैक का एप्पल का मानना है। और जैसे कि अगर आपने जेरी रिक की वीडियो नहीं देखी, जेरी रिक्स एवरीथिंग, उसमें उसने तकरीबन इसको बहुत जो है वो हर चीज़ से, हर तरह से जो है वो इसको ट्राई किया है, इस पर स्क्रैचेस लगाए हैं, बहुत कुछ किया है। तो एनीवेज एप्पल का कहना है कि अगर ये मोबाइल आपके हाथ से गिर भी जाता है तो इसको नुकसान नहीं होगा, ये बहुत ही प्रीमियम ग्लास है। तो चलिए इसको करते हैं ऑन और फिर करते हैं मज़ीद बातें कि हमें क्या क्या जो है वो इसमें देखने को मिलता है या क्या क्या इसके अंदर होता है। तो ये फ़िलहाल हो रहा है बूट, और करते हैं मज़ीद बातें। और अब करते हूँ मैं आपसे कौन सी बातें भला, अब करते हैं इसको बूट भी करता हूँ मैं, सेटअप भी करता हूँ, और फिर सरप्राइज जो था आपके लिए गिव अवे का, तो उसके लिए बात करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आईफोन 11 प्रो मैक्स, जिसको मैंने कर लिया है अनबॉक्स। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे जैसे प्रॉमिस किया था कि गिव अवे की बात करूँगा, तो गिव अवे की बात मैं बाद में करता हूँ। लेकिन हमेशा हमारे साथ ये होता है कि जब हम नया फ़ोन लेते हैं, नया मोबाइल लेते हैं या लेने का सोचते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में टेंशन आती है वो आती है डेटा की, कि यार नया मोबाइल लेना और डेटा चेंज करना, पुराने से नए में डालना। और सबसे ज़्यादा जो हमें
पहली चीज जो सबसे पहले माइंड में आती है, हमारे दिमाग में आती है, वो होती है व्हाट्सएप की, कि यार हमारा व्हाट्सएप है। और स्पेशली तब जब आप एंड्रॉयड से आईफोन पे मूव कर रहे हो या आईफोन से एंड्रॉयड पे मूव कर रहे हो, सेम प्लेटफॉर्म पे तो इतना मसला नहीं होता। बहुत से लोगों को पता है किस तरीके से गूगल ड्राइव पे या आईक्लाउड पे बैकअप बना के और वहां से आप सिंपली रिस्टोर कर लेते हो। लेकिन जहां बात आती है कि मैं एंड्रॉयड यूजर हूँ, मैं सैमसंग चलाता हूँ, हुआवे चलाता हूँ या व्हाट्सएप, जितने सारे एंड्रॉयड हैं मैं वो चलाता हूँ, और अब मुझे आईफोन जो है नया मॉडल आया है, आईफोन 11 है, मुझे बहुत अच्छा लग गया, मुझे ये लेना है, मेरे पसंद के फीचर्स हैं इसमें, बहुत ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन मैं क्यों नहीं ले रहा? वो इसलिए कि मेरा जो व्हाट्सएप का डेटा है वो आईफोन पे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, तो इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपने कुछ नहीं करना, सिंपल सबसे पहले तो मोबाइल ले लेना है। इट्स नॉट कि आप एंड्रॉयड से आईफोन में कर सकते हैं, आईफोन से एंड्रॉयड में भी कर सकते हैं। और थैंक्स टू आई माई फोन के जिन्होंने जो है वो ये सॉफ्टवेयर बनाया है कि आप अपना व्हाट्सअप सेम एज इट इज, जितने आपके चैट्स हैं, जितनी भी आपका मीडिया है, वो सारा का सारा आप एज इट इज आपके आईफोन में आ जाएगा एंड्रॉयड से, या फिर अगर आप आईफोन से एंड्रॉयड में जाना चाह रहे हैं तो आईफोन से एंड्रॉयड में आपका सेम व्हाट्सअप आ जाएगा। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वहां से आप सिंपली आप इसको सॉफ्टवेयर को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको कैसा लगा। और उसके अलावा जब आप नया मोबाइल लेते हैं तो साथ ही साथ, जब मैंने बात की ना आपसे कि डेटा की टेंशन होती है, तो डेटा के लिए ज़्यादातर क्या होता है हमारा कि हमारा डेटा है भाई पिक्चर्स हैं, फोटोज़ हैं या फिर म्यूज़िक, स्पेशली हम जो है वो म्यूज़िक पसंद करते हैं कि हम अपने मोबाइल में म्यूज़िक लगाएं और वो जो है वाइल ट्रैवलिंग या कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं तो हम म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। तो ऐसे में आई माई फोन का एक और सॉफ्टवेयर के जिससे आप अपने आईफोन में बहुत सारा, यानी कि जो यूज़र डेटा होता है, पिक्चर्स हो गई, वीडियोज़ हो गई, वो आप कॉपी कर सकते हैं। बहुत ही ईजी जो है वो इंटरफेस है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आपने मोबाइल कनेक्ट करना है, आपका मोबाइल सामने आ जाएगा, आपने जो इसमें कॉपी करना है आपने जाएँ म्यूज़िक कॉपी करना है, ऑडियो कॉपी करना है, पिक्चर्स करनी है, फ़ोटोज़ में जाएँ, पिक्चर्स, वीडियोज़, व्हाट्सएवर, सब आप उसमें जो है कॉपी कर सकते हैं। तो iMyFone की तरफ से ये दो सॉफ्टवेयर्स जिनकी मैंने अभी बात की है आपसे, अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, आप वहां पे देख सकते हैं, ले सकते हैं। और अगर ये दोनों सॉफ्टवेयर, ये प्रीमियम सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर आपको फ्री में चाहिए, मेरी तरफ से दो विनर होंगे, टोटल सॉरी चार विनर्स होंगे, दो गिव अवे हैं इसके, व्हाट्सएप ट्रांसफर के, आई ट्रांसफर जो व्हाट्सएप के लिए है, और दो गिव अवे हैं ट्यून्समेट के लिए कि जिसमें आप अपने आईफोन में डेटा कॉपी कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए दो आपने हैशटैग लगाने हैं, हैशटैग iMyFoneWhyRus, यही लगाने iMyFoneWhyRus ताकि मुझे पता चले, क्योंकि iMyFone के बहुत सारे हैशटैग्स हैं, तो आप मुझे जो है वो मेरी तरफ से मुझ तक पहुंचने के लिए iMyFoneWhyRus लगा दें, तो उसके थ्रू मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। हैशटैग जो है अपना आपने एक हैशटैग लगा दें और इस वीडियो को शेयर करें, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर जहां शेयर कर सकते हैं, लिंक्डइन पे करें, हर जगह जो है वो शेयर कर दें। जो जितना ज़्यादा शेयर करेगा, जिसकी तरफ से ज़्यादा जो शेयर होंगे वो बनेंगे विनर। ऐसे नहीं, चले विनर का एक सरप्राइज ही होगा, जो विन करेगा उसको मेरी तरफ से इसका लाइसेंस मिलेगा, आईफोन का नहीं, व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप ट्रांसफर का, आई ट्रांसफर का, हाँ, और उसके अलावा ट्यून्समेट के। तो टोटल चार जो है वो लाइसेंस हैं, आप विन कर सकते हैं। जल्दी से इस वीडियो को शेयर करें, हैशटैग लगाएं iMyFone, हैशटैग लगाएं iMyFoneWhyRus और विन करें। जहां तक बात आती है आईफोन की, तो तकरीबन जो है इसमें सारी बातें तो आईफोन में कर चुके हैं, अनबॉक्सिंग थी, अनबॉक्सिंग कर ली, जो सरप्राइज था वो भी आपको बता दिया कि आप किस तरीके से जो है वो विन कर सकते हैं। और उसके अलावा अब मुझे अपना डेटा कॉपी करना है इसमें, तो आप अपना ख्याल रखें, मैं अपना डेटा कॉपी करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।